प्रदेश के मुरादाबाद में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास दिलाने की आड़ में सर्वे करने वाली कंपनी के कर्मचारियों पर आरोप लगा है कि उन्होंने लोगों से आवास दिलाने के नाम पर अवैध वसूली की है। मामले की जानकारी मिलने पर डूडा विभाग के अधिकारी ने जांच करवाई और जब जांच में आरोप सही पाए गए तो गुजरात की जेल दलाल कंपनी के दो अवर अभियंता हिमांशु कुमार और हरदीप सिंह के खिलाफ थाना सिविल लाइंस में अवैध वसूली करने के आरोप में मुकदमा दर्ज करवाया है। एएसपी मुरादाबाद आदित्य लेंगे ने बताया कि डूडा अधिकारी की शिकायत पर मामला दर्ज कर जांच की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। अब पुलिस इस दिशा में भी जांच कर रही है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पर लोगों से अवैध वसूली करने वाले सर्वे कंपनी के दोनों कर्मचारियों के साथ क्या मुरादाबाद के डूडा में तैनात कोई अन्य कर्मचारी भी इस खेल में शामिल है। परियोजना निदेशक दीपक जी ने FIR कराई है कि कुछ लोगों ने प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पर लोगों से पैसे लिए हैं, तो उसमें एक मामला दर्ज हुआ है। क्या आरोप है, क्या मामला दर्ज हुआ है? इस मामले में जो अभी तक सूचना आई है FIR के दौरान कि जो दिलीप जी हैं इन्होंने बताया है कि कुछ कंप्यूटर ऑपरेटर हैं जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लोगों से गलत तरीके से उनके नाम लेते थे और उनको आश्वासन देते थे कि उनको घर दिलाया जाएगा इसी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत, और इन्हीं की तहरीर पे हमने मामला दर्ज कर लिया गया है 420 के अंदर और इसकी आगे की विवेचना चल रही है। दो लोगों के खिलाफ ये मेरी जानकारी मिली। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें, हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।